सच्ची बात तो ये है कि प्रतिराज सामने खड़े हैं और पूरा संसार पूरा वर्ल्ड बनते हैं वो हरे में कोई नहीं दो तीन देश हैं उनके पास से डॉक्टर है एक में शिष्य है कि नाते तो इससे पहले ने वो भी कोई कॉन्फ्रेंस किया था तब के और आगे बात की थी तो यहाँ हमारे बाबू ने डॉक्टर है जिसने बोला और तीन तीन चीजों से जुड़ गए तो एक पोलिटिशन है राजनीति दूसरा अवार्ड तीसरा कोई सम्मान करते थे दो डॉलर का लेकिन शिष्य है और उनकी इच्छा है कि वो अवार्ड लें उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जहाँ गुजरात में हुआ था मैं बोला आज हमारे गुजरात के साथ लोगों को पता चल जाए कि गुरु को अवार्ड दे रहे तो फिर उसको दूसरे से दो बताए और उन्होंने आता नहीं तो उसके बाद मुझे वेद और तंत्र क्या मंत्र इसमें एक ही फर्क आता है वेद केवल प्रकृति की पूजा है नेचर की पूजा करने को वेद कहा गया है वेदों में अगर आप पूर्ण रूप से जाओ तो आपको कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश या दुर्गा देवी लक्ष्मी कोई नहीं जिससे ताकि कौन से पेड़ है कौन सी गंगा नदी है क्या है बस भी पूजा ये हमारे ऋषियों ने की थी और ऋषि चाहते हैं कि उस ऋचा को जो कहते हैं कि इस ऋचा को पढ़ने से तुम्हारे अच्छा है हमारे कार्यों में वेदों में उनका भी लिखित रहता है उन्हें वेद को भी नाम लिए
आवासीय असंजय क्या है जो है मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और केवल इसमें मैं कहता हूँ कि राष्ट्रपति नायडू और वर्ल्ड की वर्ल्ड ब्रांचेस के लोग जो मुझे इसमें चयन किए हैं मैं उनका पूरी तरह धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आवाज जो आपने देखा है आप सभी को उन आप सभी को खुशी है और मेरा जो गुरु कृपा है मेरे पर जो मैं आज के अवार्ड दे रहा हूँ मैं प्रसन्नता के साथ इस अवार्ड को देता हूँ और आप सभी को कहता हूँ कि आज का ऐसा ही कार्य गुरु के बारे में हो मंत्रों के बारे में तंत्रों के बारे में इसके बारे में आगे बढ़ेगा। उन्होंने एक पुस्तक मेरे नाम की रही है जिसके नाम मेरी पुस्तक छपाई आने वाला है 2023 में